नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देहरादून से उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम साझा करते हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू का बड़ा कार्यकाल। एसएस संधू को 6 महीने का सेवा विस्तार किया गया। इसी महीने रिटायर्ड हो रहे थे एसएस संधू। बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, सीएम धामी के विश्वास पात्र हैं मुख्य सचिव संधू। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एमएस संधू को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। इसी महीने रिटायर्ड होने वाले थे। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एसएस संधू को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला। मुख्य सचिव एसएस संधू का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसी महीने रिटायर्ड होने वाले थे एमएस संधू। आपको बता दें, एमएस संधू को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। एमएस संधू 6 महीने के सेवा विस्तार पर हैं और इसी महीने रिटायर्ड हो रहे थे एसएस संधू। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ अहम जानकारी बताया जा रहा है कि 6 महीने का सेवा विस्तार किया गया है एसएस संधू का? जी, उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एसएस संधू, उनका सेवा विस्तार यहां पर किया गया है। 6 महीने का उनका सेवा विस्तार यहां पर हुआ है, जिसके आदेश केंद्र की तरफ से राज्य को यहां पर प्रेषित कर दिए गए। राज्य सरकार को आदेश यहां प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि इसी 31 जुलाई को मुख्य सचिव के पद पर डॉक्टर एस एस संधू का कार्यकाल यहां पर पूर्ण हो रहा था। 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे थे, तो उससे पहले उनके जो सेवा विस्तार की जो चर्चा चल रही थी, जो अटकलें थी, उस पर आज पूर्ण विराम यहाँ पर लग गया और उनको 6 महीने का विस्तार यहाँ पर दे दिया गया है। ये समझा जा सकता है कि ये सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या जो राज्य सरकार की जो मांग थी कि उनका सेवा विस्तार यहाँ बढ़ाए जाए, उनका जो अनुभव है उस अनुभव का लाभ उत्तराखंड राज्य और यहाँ पर प्राप्त कर सके, राज्य में जो प्रशासन जो काम है वो इकाइयां तेज गति से यहाँ पर काम कर सके, उसके लिए जरूरी था कि जो मुख्य सचिव के पद पर जो इस समय काबिज हैं डॉक्टर एस एस संधू, उनका सेवा विस्तार यहाँ पर किया जाए। तो उस पर केंद्र सरकार की अपनी सहमति यहाँ पर बन चुकी है और जल्द ही राज्य ये कह सकते हैं कि 31 जुलाई के बाद भी डॉक्टर एस एस संधू यहाँ पर मुख्य सचिव का जो बात बाजार है वो संभालते हुए अब नजर आएंगे। जी, अभय, जिस प्रकार से देखा जाए एस एस संधू मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, मुख्य सचिव हैं और बताया जाता है कि उनके काज से मुख्यमंत्री खुश भी रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल किस प्रकार से और कार्य की गति को आगे नए दिशा निर्देश देगा? जी बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता यहाँ पर संभाली थी, तो उसके बाद ही राज्य में मुख्य सचिव के पद पर डॉक्टर एस एस संधू काबिज हुए थे। दिल्ली से अपनी प्रतिनियुक्ति पूर्ण करने के बाद वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने आते ही यहाँ पर मुख्य सचिव का कार्यभार यहाँ पर संभाला था। उससे पहले केंद्र में वो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसके जी डायरेक्टर भी यहाँ पर पद पर संभाल रहे थे, तो ऐसे में उनका जो अनुभव है वो राज्य के लिए बहुत जरूरी था और उनके पिछले 2 साल के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो राज्य में विकास की रफ्तार यहाँ पर बढ़ी है। खासतौर पर जो नौकरशाही जो बेलगाम अफसरशाही यहाँ पर कही जाती थी, उस पर काफी हद तक यहाँ पर अंकुश लग पाया है और ये सब ये कह सकते हैं कि मुख्य सचिव रहते हुए डॉक्टर एस एस संधू ने यहाँ पर किया है। ऐसे में उनकी जो योजना है, जो समय राज्य में जो चल रही है, उन योजनाओं को और गति यहाँ पर मिल सके, उस योजनाओं का लाभ राज्य सरकार को यहाँ पर प्रदेश की जनता को यहाँ पर मिल सके, उसके लिए जरूरी था कि जो उनका सेवा विस्तार था वो समय रहते हुए यहाँ पर किया जा सके। तो उस पर केंद्र ने अपने सहमति यहाँ पर दे दी है। केंद्र का जो तरफ से जो विस्तार का जो आदेश है वो राज्य सरकार को यहाँ पर प्राप्त हो चुका है और अब 6 महीने के लिए अगला विस्तार यानी कह सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक डॉक्टर एस एस संधू मुख्य सचिव के पद पर उत्तराखंड में जो शासन भूमिका वो यहाँ पर निभाएंगे। जी शुक्रिया हमारे साथ अभय जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार के जलभराव को लेकर चल रहे राहत कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां जिले के अधिकारियों के साथ बसपा और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आधा ग्रस्त जो इलाके हैं, आपको बता दें बाढ़ से अगले 3 महीने बिजली के बिल माफ करने और बैंकों के ऋण की वसूली को स्थगित करने की घोषणा भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में सहकारी बैंकों के ऋण की वसूली अगले 3 महीने के लिए स्थगित की जाएगी, साथ ही राष्ट्रीय बैंकों से राज्य सरकार की ओर से अनुरोध किया जाएगा। जो हमारी
सोलानी नदी है और इसके आसपास का जो बड़ा वाला क्षेत्र है, क्योंकि वो छोटे प्लान से उस पर काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए एक विस्तृत प्लान की आवश्यकता है। उसके लिए हम भारत सरकार से भी निवेदन करने वाले हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए भी हम जो भारत सरकार के भी जो मंत्रालय इस पर काम करते हैं भूगर्भ के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, पुरातत्व विभाग से, उन सभी से इस पर जो है विस्तृत रूप से अनुरोध करेंगे कि उस पर भी जो है काम करें। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ विकास चौहान संवाददाता हरिद्वार से जुड़ चुके। विकास, किस प्रकार की अहम जानकारी बताया जा रहा है कि जलभराव पर लेकर समीक्षा बैठक की गई और निर्देश दिए गए कि उस इलाके में ऋण की जो बैंक वसूल करने वाला था 3 महीने तक वसूल नहीं किए जाएंगे और बिजली के बिल को भी माफ किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इलाके के लोगों को सहायता दी जा रही है, क्या अहम जानकारी और? जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बाढ़ क्षेत्र थे और जो जल भराव की परेशानियां थी उसको लेकर जो अधिकारियों को उन्होंने पूरे पिछले दिनों दिशा निर्देश दिए थे उसकी समीक्षा बैठक करने वो हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बिजली के बिल हैं उस क्षेत्र के जो बाढ़ में आपदा क्षेत्र में है उनको माफ किया जाएगा। साथ ही जितने भी बैंक हैं, सरकारी सहकारी बैंक हैं, उनके जो ऋण हैं अगर किसी किसान के द्वारा लिया गया है तो उसको भी 3 महीनों के लिए विलंब किया जाएगा। और साथ ही जो राष्ट्रीय बैंक है उनसे भी ये सरकार अपनी तरफ से ये पहल करेगी, उनसे बातचीत करेगी कि वो किसानों को कितने 3 महीने की किस्त है वो उनको विलंब करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आपदा वाले जहाँ बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी, उनका आकलन किया जाएगा और उनको जल्द ही उसके आधार पर उनको आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरीके की सरकार के द्वारा कई योजनाएं यहाँ पर चलाई जाएंगी, जिसमें जहाँ बाढ़ की स्थितियों को देखते हुए आगे जो नदियों का पानी किस तरह से चैनलाइज किया जाए जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति ना बने, इस पर भी कार्य योजना यहाँ पर उनके सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, इस तरह की उन्होंने घोषणा की है। जी विकास, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने बता दिया कि आज उस इलाके से उन्होंने राहत की बात की जहाँ पर बाढ़ आई थी, जहाँ पर जलभराव की वजह से परेशानियां देखी गई, मुख्यमंत्री के इस प्रकार से आश्वासन से जनता का क्या कहना है? देखिए, जनता बिल्कुल, जनता के जो नुमाइंदे थे, विधायक थे, जो पार्षद थे उस क्षेत्र के, खानपुर लक्षर के, और मतलब जो लोग वहाँ के लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर उनकी बैठक में यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, जिस तरह से मुख्य वहाँ उस क्षेत्र की जो मांग की जा रही थी बिजली और कुछ अन्य जो विलम्ब से की जाए ताकि बिजली के बिल माफ किए जाए, तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये पहल की गई है, उसमें कहीं ना कहीं लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो बाढ़ तटबंध लगातार टूटने से इस तरह की स्थितियां बन रही है, उनकी भी इस तरह की कार्य योजना तैयार की जाएगी कि उन पर किस तरह से चैनलाइज उनके पानी को किया जाए, नदियों के पानी को, ताकि उस क्षेत्र में बार बार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो। जी बिल्कुल माना जा रहा है, लेकिन अभी किस प्रकार के हालात है जहां पर देखा गया कि बाढ़ की वजह से बहुत सारी परेशानियां थी, मुख्यमंत्री ने आज जायजा लिया, वहां के लोगों से मिले और लोगों को राहत की बात की, तो अभी किस प्रकार के हालात उस इलाके के देखे जा रहे हैं? विकास, मेरी आवाज आपको मिल रही है? शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और ताजा जानकारी देने के लिए। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चमोली में हुई घटना पर सरकार पर तमाम सवाल उठाते हुए कहा, घटना मृतकों को 50 लाख तो घायलों को 10 लाख और परिजनों को सरकारी नौकरी सरकार की ओर से देना चाहिए। वहीं उन्होंने महेंद्र भट्ट और बीजेपी नेता के बयान पर भी बोलते हुए उन्होंने चमोली के हादसे पर समय पर ना पहुंचने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे में घायलों को कोई व्यवस्था नहीं मिली। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भाटी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किस आधार पर पीड़ितों के साथ अन्याय करने का, स्वयं उनके द्वारा घायलों को घर पहुंचाने के लिए गाड़ी भेजी गई है जिसका भुगतान उनके द्वारा किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को अब आदत हो गई है आरोप लगाने की जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सबकी मदद से मैं चाहता हूं कि ये संदेश सरकार तक, 1 लाख रुपया एक परिवार को जिसके लोग मरे हैं उनको 50 लाख की आर्थिक सहायता होनी चाहिए, घायलों को 10 लाख। मैं बहुत विश्वास कर देता हूं कि
पहले जीवन रक्षा सरकार का उद्देश्य रहता है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, 6 लोग जो तत्काल जिनको इलाज की आवश्यकता थी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स लाया गया। इसके साथ साथ 5 लोगों कल और हमने विशेष चेक उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उनका एम्स लाए, आज कुछ लोग वहां से डिस्चार्ज हुए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने चमोली की घटना पर दुख जाहिर किया है। रेखा आर्या ने कहा कि दुखद की घड़ी में पूरा प्रदेश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है, सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री समेत कई सहयोगी मंत्रीगण घटनास्थल पर जाकर मृतक परिवारों से मिले हैं। साथ ही इस दौरान रेखा आर्या ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि दुख की घड़ी में ओछी राजनीति ना करे। चमोली की घटना को जैसे ही हम सबके जानकारी में आई, निश्चित रूप से मन बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ और शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सावधानियों के साथ में किए जा रहे गंगा परियोजना के कार्य में। हरिद्वार में संजय गुप्ता ने आभार जताया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी पर आभार जताया। आपदा ग्रस्त लोगों का 3 महीने का बिल माफ, बिजली बिल माफ करने पर आभार जताया है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें आपदा ग्रस्त लोगों का 3 महीने का बिल माफ किया गया था, जिस पर आभार व्यक्त किया गया है, लोगों ने आभार व्यक्त किया है, बिजली बिल माफ करने पर आभार जताया है। उनका कहना है कि इससे हमको काफी सहूलियत मिलेगी, मदद मिलेगी। तो हरिद्वार में आपको बता दें संजय गुप्ता ने आभार जताया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सहायता करने से मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों को काफी मदद मिलेगी, बाढ़ की वजह से वैसे भी काफी नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको सहायता दी है, बिजली बिल माफ कर दिया है और 3 महीने का बिल आपको बता दें जो ऋण है बैंक का उसको आगे के लिए बढ़ा दिया है, 3 महीने के लिए उनको छूट दे दी है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से इस प्रकार की सहायता देने पर लोगों में काफ़ी एक मतलब सहायता देखी जा रही है और साथ ही साथ संजय गुप्ता ने इस पर आभार भी व्यक्त किया है मुख्यमंत्री का। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस में कई फाइलों के गायब होने और बड़े घोटाले की शिकायत के बाद सीएम धामी ने रजिस्ट्रार ऑफिस का निरीक्षण किया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए। एक बार फिर से ऐसा ही मामला तहसील से सामने आया है, जहां एक बार फिर से कई फाइलें गायब हुई हैं, जिसकी शिकायत प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार देवेंद्र सुदरियाल ने थाने में दर्ज कराई है। कार्य से संबंधित अभिलेखों के खोने के संबंध में है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, पूर्व में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके संबंध में मुकदमा। क्या मतलब इसका क्या बता दें, तहसील से कई फाइलें गायब हुई हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाकर वहां का निरीक्षण किया, मामले में तहरीर दर्ज कर ली गई, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, इस पूरे मामले की जांच कर ली गई है कि कौन सी फाइलें गायब हुई हैं, तहसील ऑफिस से ये फाइलें गायब हुई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी सजग नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि तमाम फाइलें तहसील से गायब हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने खुद जाकर निरीक्षण किया, क्या अहम जानकारी, किस प्रकार से जांच पड़ताल की जा रही है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं जो देहरादून के तहसील परिसर में जो भू अभिलेखों का जो कार्यालय है जहाँ पर रजिस्ट्री की जाती है, उस रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया था। उस दौरान कई खामियां वहाँ पर देखने को मिली थी, जिस पर मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए थे। जिला प्रशासन ने उन सभी विषयों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए जो रजिस्ट्रार जो कार्यालय थे वहाँ पर अपनी जांच शुरू की थी।
कई अधिकारियों को उस समय जो दंडित था उनको दंडित करने का वहां पर किया गया था। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जब ये जांच यहाँ पर चल रही है तो भू राजस्व से जुड़ी हुई कई फाइलें वहां पर गायब यहाँ पर मिली है, जिस पर पुलिस विभाग की तरफ से अपनी FIR यहाँ पर दर्ज कर ली गई है, ताकि जो संबंधित जो अधिकारी है कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जो सच्चाई है वो सच्चाई सबके सामने यहाँ पर आ सके। SPCT ने साफ तौर पर कहा है कि जो मुख्यमंत्री के निर्देश है, निर्देश के आधार पर कार्रवाई पुलिस विभाग अपनी जांच यहाँ पर करेगी और जल्द ही जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आ पाएगी। जो फाइलें गायब हुई है जो उसके दूसरे अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी अभय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फाइलें गायब हुई हैं, जिस प्रकार से आपका कहना है कि मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया था तहसील का, तो वहाँ का तमाम खामियां देखी गई थी, तो जो फाइलें गायब हुई हैं क्या आप बता सकते हैं कि फाइलें कब से थीं और मुख्यमंत्री ने कौन से ठोस जो एक जाँच के आदेश दिए हैं जिससे जिसने इस प्रकार की घटना को दिया हो, जिसने ये फाइलें गायब की हो उस पर सख्त कार्रवाई हो सके? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार कई शिकायतें यहां पर मिल रही थी जिसमें भू राजस्व से जुड़े हुए जो दस्तावेज थे उन दस्तावेजों के साथ कई गड़बड़ियों की शिकायत यहां पर मिली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं उन शिकायतों का संज्ञान यहां पर लिया था, एक औचक निरीक्षण वहां पर किया था रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर, ताकि जो सच्चाई है उन सच्चाइयों का पता यहाँ पर किया जा सके। और उसी को देखते हुए समझा जा सकता है कि जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और कई खामियां वहां पर मुख्यमंत्री को भी देखने मिली थी, जिस पर जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर जांच के आदेश दे दिए गए थे, AGM के निगरानी में जांच वहां पर चल रही है, पुलिस प्रशासन उस जांच को उन सभी तथ्यों को जुटाने का साक्ष्यों को जुटाने का काम वहां पर कर रहा है, जिनकी तरफ से लगातार इस तरह की गड़बड़ी वहां पर की जा रही थी। जो लोग इस पूरे मामले पर संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए, ऐसे में वो सभी फाइलों का धीरे धीरे कह सकते हैं कि जैसे जांच आगे बढ़ेगी उन सभी दस्तावेजों को खंगालने का पुलिस यहाँ पर करेगी। और अभी तक ये कह सकते हैं कि भू राजस्व से जुड़ी हुई कई फाइलें ऐसी है जो अभी तक गायब मिली है और पुलिस उन सबके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने का ऐलान यहाँ पर कर चुकी है। जी शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। देहरादून में शुरू हो गई है झमाझम बारिश, उत्तराखंड के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, विभाग ने जारी किया 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट। तो आपको बता दें देहरादून में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट 7 जिलों में जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में आपको बता दें विभाग ने जारी किया है 2 दिन का अलर्ट, देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देहरादून में शुरू हो गई है झमाझम बारिश, बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर ये देखा जा रहा है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश को देखते हुए विभाग ने 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया है। वन भूमि में चारा बोने को लेकर एक दिन पहले ही खटीमा वन विभाग और गुजरों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को गुजर वन भूमि पर चारा बोने के लिए खेतों की जुताई कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जुताई रुकवा दी। अगली कार्रवाई तक भूमि को जैसा का तैसा बनाए रखने की अपील की। वहीं इस दौरान गुजरों ने प्रशासन पर उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया। वहीं खटीमा के SDM रविंद्र विश्व ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया है। SDO साहब भी आए और सारे रेंजर्स भी आए हुए यहाँ पर, इन्होंने अपने एरिया को डिमार्केट करें और हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इशू के लिए ही खड़े हैं। तो इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इनका प्रपोजल है बाद में जाके कि यहाँ पर एक इकोलॉजिकल पार्क डेवलप करेंगे जिसमें म्यूजियम होगा, गुज्जर ट्रेल होगी और वगैरह और अन्य चीज़ें भी होंगी इसमें, तो उसी के लिए यहाँ सिर्फ हम कोई एविक्शन वगैरह नहीं, सिर्फ एक डिमार्केशन कर रहे हैं अपनी लैंड, क्योंकि उनको चौकी है उसके निकट कुछ वन भूमि जो खाली पड़ी हुई थी काफ़ी समय से, उसे आज हम उसका सीमांकन कर उसे सुरक्षित करने हेतु कर रहे हैं। इसमें आगामी वृक्षारोपण सत्र में वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है और इस क्षेत्र में चूँकि इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए भी ये क्षेत्र चयनित किया गया है, तो उसमें उस संबंध में भी कार्य कराए जाने हैं, जिस हेतु इस रिक्त भूमि को 90 से हम लोग चारा लगाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद में लोगों ने बीच में रोका, फिर हमारे लिए एक शासन आदेश किया 2013 में हरीश रावत के टाइम में, शासन आदेश के बाद लोगों ने फिर लगाना शुरू कर दी ज़मीनें लगाते लगाते, अब इन्होंने बगैर नोटिस के आगे आज हमारे। मणिपुर में हो रहे दंगों की आग अब उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रही है।
कांग्रेस महिला नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उन्होंने कहा कि अगर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री 3 महीने की नींद से जाग गए हों तो मणिपुर में शांति व्यवस्था मनाने में जुट जाएं। दरअसल सोशल मीडिया पर मणिपुर का एक वीडियो तेजी से मणिपुर को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया, ये वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया था और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही थी। लेकिन अब कांग्रेस समेत विपक्षी दल मणिपुर में 3 महीने से अधिक हो रहे दंगे पर अपना आक्रोश भारत सरकार पर दिखा रहे हैं। कि नहीं है, किसी कीमत पर मोदी सरकार माफ करने लायक है ही नहीं। पहले तो आपने 3 महीने से सुलगते जलते मणिपुर को अनाथ छोड़ दिया, जैसे मणिपुर देश का हिस्सा हो ही नहीं। आपको दुनिया जहान की फिक्र पड़ी है, आपको विदेश यात्राओं की फिक्र पड़ी है, आपको कहीं भी देश के कोने में अनहोनी घटित होती है आप तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर को आपने उसके हाल पर छोड़ दिया। आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, आपके सरकार के किसी नुमाइंदे ने चुप्पी नहीं तोड़ी। आज आपकी स्मृति ईरानी भी जाग रही हैं, आप भी जाग रहे हैं, जब वहाँ 2 महिलाओं के साथ इस तरह से सार्वजनिक तौर पर उनको निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, एक तरह से उनका बलात्कार हुआ है, केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी उत्पीड़न हुआ है उन महिलाओं का, और आज आपकी जुबान खुल रही है। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहाँ दीपक शाह चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली का करंट लगने से 16 युवकों की असमय मृत्यु होने पर नगर कांग्रेस कमेटी गौचर द्वारा शुक्रवार को रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए शोक सभा की गई, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।